अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? फिटफाट हैं? बम्बाट हैं? आज मैं एक ऐसी जगह पर आया हुआ हूँ कि नज़ारा देख के यकीन करें मेरा दिल बाग बाग हो गया है। इतना खूबसूरत मंजर है और मेरे पीछे आप देखें एक हिली एरिया है ये। मैंने सोचा क्यों ना आज यहाँ पे आके कैंपिंग करते हैं, आपको नेचर दिखाते हैं, हम खुद इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय कीजिए। तो चलिए ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ पे, पहले रास्ता ढूंढते हैं कि कहाँ से आएगा और कोशिश करेंगे कि टॉप पे जाएं पहाड़ी के और वहीं पे जाके हम आपको सारा व्यू भी दिखाएं और कैंपिंग भी करें। शुक्र है रास्ता कुछ बेहतर हुआ है, वरना जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था ना, रास्ता था ही नहीं गुजरने का वहाँ से। अब शुक्र है कदरे बेहतर है, पत्थर हैं और झाड़ियाँ कम हैं, ट्रैक सीधा सीधा बना हुआ है। मैं यहीं पे अपना कैंप लगाऊंगा और यहीं पे पड़ाव करते हैं। कैंपिंग करना और वो भी इस तरह के एरियाज में कोई बच्चों का खेल नहीं है, आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पथरीले रास्ते होते हैं, झाड़ियाँ, कांटे, मतलब हर किस्म की आपको हर्डल सामने आ सकती है। एक छोटा सा प्रॉब्लम यह हुआ है कि जिस जगह पे हम इस वक्त बैठे हैं ना, ये देखिए आप, बड़े से पत्थर हैं, पहाड़ है, जाहिर है कटा हुआ है और यहाँ पे हम अपना कैंप तो रख नहीं सकते, तो कैंप को हम फिर बंद करके ही रख लेते हैं ऐसे ही और अपना सामान निकालते हैं। तो पकौड़ों का सामान हम तैयार कर रहे हैं दोस्तों,
पकोड़ों के लिए हमारा मटेरियल बिल्कुल रेडी है। तो यार ऑयल हमारा गर्म होने वाला है और फिर हम अपने पकोड़ों को फ्राई करना शुरू करते हैं। साइड में पलटी पकोड़े हमारे ब्राउन होना स्टार्ट हो गए। तो फाइनली यार पकोड़ों की पहली खेप हमारी तैयार हो गई है। पकोड़े हमारे तैयार हो गए, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, क्रंची भी हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि वाकई ऐसा है कि नहीं। बहुत ही आला यार, बहुत ही बढ़िया माशाल्लाह। सारे सामान को अब यार पैक करना है और ये सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे, क्योंकि देखें ना ऑयल अभी तक ये बहुत ही गर्म होगा। थोड़ी देर इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं हवा पे, ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको वापस बॉटल में डाल देंगे। जो बर्तन यूज्ड है ना, जहर इनको अभी हमने धोया है नहीं, इनको अलग शॉपर में डाल लेते हैं। ऑयल हमारा काफी बेहतर हो गया, अब ज्यादा हॉट नहीं है तो हम इसको बोतल में वापस डाल सकते हैं। सामान की पैकिंग के दौरान इतनी शदीद गर्मी फील हुई मुझे कि अब जैकेट उतारनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो को अब हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छे से व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।